हाय भाभी, क्या हाल है और कैसे हो? हेलो, अच्छी हूँ मैं। क्या बताएं, तुम्हारी मम्मी कुछ खाने को देती नहीं तो कैसे रहूंगी। ऊंघती रहती हूँ बस पूरे दिन बैठे बैठे। रात भर गबलू जगाता है, दिन में कुछ खाने को मिलता नहीं है, बैठी रहती हूँ। भाभी, आपने क्या गरम मसाले का पेड़ रखा हुआ है चारों तरफ? सारे मसाले आपने ही खाने हैं क्या अभी? अरे गरम मसाले का पेड़ नहीं उगाया है, ये दिन रात तो सब कहते रहते हैं शरीर फूल रहा है, शरीर फूल रहा है, ये मसाला खाओ, इसका पानी पियो, उसका पानी पियो, दलिया में ये डालो, उसमें वो डालो। भाई क्या बताऊं, मेरे तो पास से भी महक आ रही गरम मसाले की। ऐसा लगता है चलती फिरती मसाले की दुकान हूं मैं, करूं क्या? बच्चे को अलग दस्त हो रहे हैं, दिन रात काली मिर्च का पानी पिए जा रही हूँ। जब से ये हुआ है तब से तो परेशान हो गई हूँ। क्या बताऊं तुम्हें, मैं तुम यहाँ होती ना ये झंझट ही ना होती। क्या आप कुछ खा नहीं रहे हो? फ्रूट्स नहीं खाए आपने, पानी भी नहीं पिया, लेकिन क्यों? कोई मना कर रहा है? किसी डॉक्टर ने आपको कोई परहेज के लिए बताया है? मैं तो सोच रही कोई न्यूट्रिशनिस्ट देख लूं, किसी से पूछ लूं क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सब लोग अलग अलग बताते हैं, मेरी माँ अलग कुछ बोलती है, तुम्हारी माँ अलग कुछ बोलती है, ये कुछ और बोलते हैं, बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है। इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या खाऊं क्या ना खाऊं समझ ही नहीं आ रहा है। भाभी कम ऑन, हमें किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन इन सब की जरूरत नहीं होती है। सारा न्यूट्रिशन तो आपको पता है, डिलीवरी होने के बाद पूरा खाना खाना है, अच्छी तरह पानी पीना है, सैलेड्स लेने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको कम कंज्यूम करनी है। सिर्फ आपको अपने डिमांड्स का ध्यान रखना है कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, और आप और कम और कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिशन ले रही हैं और कम खाना खा रही हैं तो ना तो आपकी सेहत बन पाएगी और ना आपकी बेबी। पानी का तो तुम पूछो ही मत, किसी ने पानी नहीं पीने दिया। बार बार बोल रहे हैं ऐसी फूल गई हो, पानी पियोगी और फूल जाओगी, फिर कभी वजन कम ना होगा। इतनी प्यास लगती है, डॉक्टर ने सब बोलो तो कहती है पानी नहीं पियोगी दूध नहीं आएगा, घर आओ पानी का गिलास उठाओ सब हाथ से गिलास ही ले लेते, कहते पानी पियो नहीं पानी पियो नहीं। बहुत ही परेशान हो गई हूँ, इसलिए तो बार बार कह रही हूँ किसी न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ और पूछ लेती। नहीं भाभी, आपकी फ्रेंड ने जो आपको बताया ना कि ऑपरेशन के बाद तला भुना नहीं खाना है और पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, अनाज नहीं खाना है, फ्रूट्स नहीं खाने, तो फिर आप खाएंगी क्या? सिर्फ हमें ओवर फ्राइड चीजें नहीं खानी है जो आप खाती नहीं है कभी, मैंने तो आपको कभी खाते हुए नहीं देखा है। फ्रूट ज्यादा लेने हैं, पानी ज्यादा लेने हैं, जैसे हमने भी डिस्कस किया, आप वो खाना खाइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एंड इट इज गुड फॉर बेबीज न्यूट्रिशन ऑल्सो।